दार्जिलिंग एक विश्व विख्यात पर्वतीय नगर जो हमारे देश के पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी दिशा में और सिक्किम राज्य के ठीक सीमा के नीचे कंचनजंगा के साये में बसा हुआ है, जिसे प्रकृति ने हमें खुले हाथों से भरपूर प्राकृतिक संसाधनों से सजाया सवारा है। यहाँ के मनोरम प्राकृतिक वातावरण और शीतल जलवायु के कारण हजारों की संख्या में पर्यटक स्वयं खिंचे चले आते हैं। चलिए अब आपको भी ले चलते हैं पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण स्थल दार्जिलिंग के स्थानीय स्थलों की यात्रा पर। घूम स्टेशन भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है। विश्व विरासत संस्था ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को सम्मान सहित अपनी सूची में शामिल किया हुआ है। इस शहर का आकर्षक केंद्र घूम है। यहाँ एक गोला का स्पॉट है, इसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है और नीचे खाई है। यहाँ से नीचे देखने पर आदमी क्या घर वगैरह भी काफी छोटे दिखते हैं। घूम के सेंटर में एक खंभा है जिसके चारों ओर पटरी पर टॉय ट्रेन चलती है। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच चलने वाली टॉय ट्रेन यहाँ वृत्ताकार घूमती है और यात्रियों को 180 डिग्री के विस्तार में पहाड़ियाँ नजर आती हैं। यह शहर से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक शहीद स्मारक भी बना हुआ है। दार्जिलिंग में स्थित पीस पगोड़ा एक अहम धार्मिक पर्यटन स्थल है। जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, पर्यटक असलियत में यहाँ के सकारात्मक माहौल में एक अनोखी शांति प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्मारक के निचली मंजिल पर कंक्रीट से बनी दो सिंहों की मूर्तियां स्थापित हैं। मुख्य द्वार से करीब 5-6 मिनट की दूरी पर्यटकों को चलकर तय करनी होती है, क्योंकि इस बौद्ध मंदिर परिसर में कोई भी वाहन नहीं लाया जा सकता। निप्पो नजन म्योहोजी नामक एक जापानी बौद्ध ने इस स्तूप का निर्माण सन 1972 में शुरू करवाया था। इस स्तूप को बनने में कुल 20 वर्ष लग गए और इसका उद्घाटन सन 1992 में किया गया। जापानी बौद्ध भिक्षु फुजी के नेतृत्व में इस स्तूप का निर्माण हुआ था। इस पगोड़ा के पास ही स्थित जापानी मंदिर भी देख सकते हैं। पगोड़ा के शीर्ष से पूरे दार्जिलिंग शहर का मनोरम दृश्य निहार सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दार्जिलिंग चाय का नाम तो सुना ही होगा, जो यहाँ के ठंडे इलाके में बहुतायत से पैदा और तैयार की जाती है। अधिकतर चाय बागान यहाँ के लोगों की निजी संपत्ति होती है और उन्हें मालिक से आज्ञा लेकर भी देखा जा सकता है। पहाड़ी ढलानों पर बने ये बागान बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं और सामान ऊंचाई के चाय के पौधे दूर तक एक सामान हरियाली के दृश्य प्रस्तुत करते हैं। दार्जिलिंग उड़न खटोले को रंगीत बैली केबल कार के नाम से भी जानते हैं। ये रोपवे सिंगामरी से सिंगला बाजार तक 8 किलोमीटर की दूरी लगभग 45 मिनट में पूरी करती है। इस 45 मिनट के सफर में दार्जिलिंग के बेहद खूबसूरत पहाड़ों, नदियां और घाटियों के लुभावने दृश्यों से मन बेभोर हो जाता है। टाइगर हिल दार्जिलिंग शहर से 13 किलोमीटर दूर 8,482 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से सूर्योदय का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यह कंचनजंगा की पहाड़ियों के पीछे से सूर्योदय का सतरंगी नजारा देखने के लिए रोजाना देश विदेश के हजारों पर्यटक जुटते हैं। यहाँ से मौसम साफ रहने पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी देखा जा सकता है।